हेलो, आज मैं गीता यादव आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुई हूँ अपने एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, भाई और बहनों, सभी को वेरी वेरी वेलकम टू वॉच माई वीडियो। मैं एसपीएल हेल्थ चैनल पर उपस्थित हुई हूँ। आप सभी भी एसपीएल हेल्थ चैनल को देखते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम अनजान में करते हैं, ये तो सही है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बहुत किसी अच्छे पोस्ट पर हो, लेकिन आजकल आप लोगों को भागते दौड़ते ही ज्यादा देखते हैं। दूसरे से तो बात करना बहुत ही दूर है, परिवार से ही लोगों का मिलना जुलना नहीं होता है। आज लोग इतना व्यस्त जिंदगी जीते हैं, लेकिन क्या हम लोग सही कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, सही नहीं कर रहे हैं हम सब। कहने को तो हमारे पास गाड़ी बंगला सभी हो जाता है, लेकिन जो असली चीज है उसको हम खो देते हैं। तो ऐसा पैसा, ऐसा रुपया किस काम का? लेकिन कुछ कम एज में उस समय यही धुनकी रहता है कि हम कैसे कमा लें, कैसे बड़ा आदमी बन लें। लेकिन मैं तो कभी कभी रास्ते के ऊपर फुटपाथ पर किसी व्यक्ति को सोते हुए देखती हूँ और नाक बजा रहा होता है, खूब एक गमछा ओढ़ लिया, ओनली गमछा। और उसी में वो जो गहरी नींद का मजा लेता है, वो शायद बड़े लोगों को, बड़े मीन्स पैसे वाले लोगों को नहीं मिलता है। और मिडिल वाले तो मिडिल ही हैं, ना ऊंचा बन सके ना नीचा बन सके, तो हर मामले में वो बीच में ही लटकते रहते हैं। हम सब भी हेल्थ के मामले में भी बीच में ही लटकते हैं, ना ठीक से दवा करा सकते हैं, ना ठीक से आराम ले सकते हैं। किसी तरह से कभी अच्छा, कभी नरम, कभी गर्म बनकर अपनी जिंदगी को काटते हैं। लेकिन हमें सोचना होगा हेल्थ के बारे में। हेल्थ जो है, खो जाने के बाद एक बार फिर वो मिलता नहीं, उसके लिए बहुत अफसोस होता है, लेकिन समय निकल जाता है सोचते सोचते। इसीलिए मैंने अपने वीडियो में कुछ ऐसे बीमारियों का जिक्र करने के लिए सोचा है जो आम हो गया है। आम मतलब खाने वाला आम नहीं, आम मतलब जनरल परसेंटेज जिसका ज्यादा है। उन्हीं में से एक बीमारी है कमर का दर्द या बॉडी का दर्द। वैसे जनरली देखा जाए तो कमर का दर्द जो है औरतों को ही अधिक होती है, लेकिन आजकल जेंट्स को भी होता है और यंग जनरेशन को भी हो रहा है। 18 के ऊपर 25, 30, 40 साल के एज वालों को भी कमर दर्द होता है। लेकिन कभी क्या हम लोगों ने सोचा है कि क्यों होता है? सोचना चाहिए। यंग जनरेशन को तो इसलिए होता है कि वो लोग मोटर बाइक पर घंटों बैठे रहते हैं, स्पाइन का ठीक से पोस्चर उनका ठीक नहीं रहता है, कहीं गड्ढा आ गया, मोटर बाइक पिछड़ गया, उस समय कमर के अंदर एक ठो स्ट्रेस पड़ता है। ज्यादातर जो गाड़ी में बैठकर ड्राइवर होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उनका भी कमर प्रॉब्लम शुरू होता है। क्योंकि हमारे बॉडी को जो है, हम अगर एक जगह स्थिर रखना चाहेंगे तो वो स्थिर नहीं रह सकता है, उसका एक लिमिटेशन है। उसको जो है हमको 1 घंटा 2 घंटा अगर कंप्यूटर पर भी बैठे हैं तो उठकर हमको थोड़ा चहलकदमी करना चाहिए, क्योंकि स्पाइन जो है हमारा, वही हमारे पूरे बॉडी को स्ट्रक्चर रखता है। आपने मिट्टी का मूर्ति तो देखा होगा जो बनाया जाता है दुर्गा पूजा में, या कोई ऐसा पूजा में जो मिट्टी की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो आप उसका बैक पोर्शन जरूर देखिएगा। मैं तो देखती हूँ, थोड़ा मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो
तो देखिएगा सामने का पोर्शन में जो है बहुत कलर वलर खूब अच्छा से चमकाया गया था, लेकिन पीछे के पोर्शन में कुछ होता, लेकिन एक लंबा सा डंडा बीच में लगाया जाता है। आप देखिएगा मैंने देखा है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, वही जो है हमारे बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, जिसके ऊपर हमारे बॉडी का सब स्ट्रक्चर भी खड़ा रहता है। तो उसी में अगर बीमारी हो जाए तो हमारा झुकना जरूरी है, झुक जाएंगे हम, हमारा बॉडी काम नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे बचें, क्योंकि दुनिया में जब आए हैं तो काम करना ही पड़ेगा, नौकरी चाकरी करना ही पड़ेगा, दूर दूर का सफर तय करना ही पड़ेगा। तो इसमें जो है इन सब चीज़ों से हम कैसे बचें, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों हमें जो है कुछ सावधानी लेना होगा, कुछ सावधानी लेना होगा। चलिए जो लंबा जर्नी करता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सोचें कि कमर के दर्द को हम कैसे कम कर सकते हैं। कमर दर्द हो, पीठ का दर्द हो, उसके लिए हमारे पोस्चर्स को सही करना होगा, मींस कमर को एकदम सीधा करके बैठना होगा, जहाँ पर भी हम बैठे इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हमारा बॉडी जो है एकदम सीधा रहे, स्ट्रक्चर सीधा रहे। कहीं भी हम गए हैं कुछ भी, शर्माने का कोई बात नहीं है, आजकल जैसा शरीर का पोजीशन है हम जहाँ भी रहेंगे हमको वहाँ पर अपना शरीर का थोड़ा ख्याल रखना ही पड़ेगा, तभी हम ठीक रह सकते हैं। कहीं गए हैं ज़्यादा 2-3 घंटा बैठना पड़ा है तो आप सॉरी बोल दीजिए ना, सॉरी थोड़ा सा मैं घूमूंगा। आप क्यों घूम रहे हैं, तो घूमने से जो है थोड़ा शरीर पर जो है ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, बैठने से थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन, बहुत देर से बैठा हूँ ब्लड, देखिएगा ये सभी एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उनका भी दर्द करता है। हम लोग घूमते हैं ना तो हम लोगों का नहीं, उनका भी, लेकिन सर हम के हमारे अब 10 आदमी के साथ मीटिंग चल रहा है, चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में हो, वो क्या करेंगे ऐसे ऐसे, लेकिन उसमें कोई बात नहीं है। जहाँ पर नौकरी चाकरी का बात है वहाँ तो थोड़ा सा मजबूरी है, लेकिन घर में, परिवार में, दोस्त में, बस में, बस में भी अगर बैठते बैठते आपका थोड़ा कमर उमर दर्द करें तो आप उठ कर खड़ा हो जाइए थोड़ा देर के लिए, वो जगह आपका फिलअप होगा। तो लेकिन उनको बोल दिए सर आप बैठिए, थोड़ा सा मेरा असुविधा हो रहा है, आप बैठिए, फिर जब मुझे थोड़ा सुविधा होने लगेगा फिर मैं बैठूंगा और आप खड़ा रहिएगा। इस तरह से मिलजुल के अपने शरीर को ख्याल रखना होगा। चलिए कमर दर्द, कमर दर्द के लिए मैं कुछ पहले दवा के बारे में बोलूँगी। दवा मतलब हमारे जानते ही हैं, मैंने पहले ही कह दिया कि मेरा दवा खाना मेरी रसोई है और उसमें जो भी चीज़ है वही मेरा दवा है और वही मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। ऐसा कोई भी दवा मैं आप लोगों को खाने के लिए नहीं बोलूंगी। तो कमर दर्द के लिए सबसे अच्छा है हल्दी। अगर गर्म दूध में आप थोड़ा सा हल्दी डाल के रात के समय में खाना खाने के बाद, रात के समय में खाना खाने के बाद 2 घंटा तो आप लोग थोड़ा घूमिएगा, जगे रहिएगा, सोइएगा नहीं, इसके पास सोते वक्त जो है दूध में हल्दी डालकर आप उसको पीजिए, वो हमारे शरीर दर्द में काफ़ी लाभ करता है। गोलमरीच, गोलमरीच का तो आप जानते होंगे, गोलमरीच 2-4 दाना आदि 1 इंच के बराबर, तुलसी पत्ता और एलोवेरा को तो सभी आप लोग जानते होंगे, एलोवेरा या एलोवेरा उसमें डालकर आप उसको जो है उबालेंगे। 1 गिलास पानी अगर डालते हैं तो उसको मीडियम आंच पर, खूब तेज नहीं, मीडियम आंच में जो है आप उसको उबालकर आधा कर लेंगे पानी को और उसको खाली पेट में पीजिए। एक बात मैं यहाँ यही बता देना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक कोई भी दवा पीजिए तो थोड़ा खाली पेट में ही पीजिएगा, क्योंकि खाली पेट में ही ये काम ज़्यादा करता है। तो जो भी मैंने अभी एक तो बनाया जूस, उसमें हमारा कोई ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं है, अगर हम लोग चाहें तो एलोवेरा का पेड़ अरे पौधा लगा सकते हैं अपने
गार्डन में भी लगा सकते हैं, और जहाँ पर खेत होते हैं वहाँ का तो कोई बात नहीं। एलोवेरा हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, हमारे दर्द के लिए बहुत लाभदायक है। इससे जो है दर्द जो है दूर होता है। और भी रामदेव बाबा बहुत सारे दवाई बताए हैं, लेकिन सबको बस में दवाई भी खरीदने का समय का भाव रहता है, लेकिन हम अपने घरेलू चीज़ों को अगर हमें लेकिन यही है कि हमको जो है एक नियम के अनुसार करना होगा, नियम के अनुसार करना होगा। ये नहीं कि हम एक दिन खाए फिर 10 दिन छोड़ दिए, फिर एक दिन खाए फिर 5 दिन छोड़ दिए और सोच रहे हैं कि हम अच्छा हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये करना पड़ेगा। जैसे मैं अपना कुछ पर्सनल चीज, मैं अपने बिल्डिंग के ऊपर एक पॉट में एक करेला लगाई हूँ, तो उसमें करेला तो कम होता है लेकिन पत्ते ज़्यादा होते हैं, तो मुझे पत्ते का ही ज़रूरत है। मैं रोज़ सुबह में उठकर सबसे पहले बाथरूम से आकर मैं कुल्ला नहीं करती हूँ, क्योंकि शायद आपको पता है कि सोने पर हमारे मुंह के अंदर सलाइवा बनता है, वो सलाइवा जो है हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए आप जो है कोई हरे बोतल, कांच का अगर हरा बोतल आपके पास हो तो हरे बोतल का पानी जो है रात को भर के आप रख दीजिए, और सुबह में जो है उसी हरे बोतल का पानी आप पीजिए। कम से कम 200 ml 400 ml तक आप पीजिए, तो उसी समय लोग बोलेंगे आपको कितना गंदा आदमी है ये कि बिना मुंह धोए पानी पीना शुरू कर दिया। नहीं दोस्त, हम लोग गंदे नहीं हैं, वो हमारे मुंह के अंदर एक दवा है जिसको सलाइवा कहते हैं, वो पानी के साथ जो है अगर हम पीते हैं तो सलाइवा हमारे बॉडी के अंदर जाता है और हमारे डाइजेशन को ठीक करता है। ये सब हम क्यों बोलते हैं? अनजान हैं हम, इन सब चीज़ों को नहीं जान पाते हैं, लेकिन अब हमको जानना होगा, हमको जानना होगा कि क्या चीज़ हमारी, हमारा सलाइवा का कीमत कम नहीं है जिसको हम थूक करके फेंक देते हैं, लेकिन अब उसको नहीं फेंकना है। ग्रीन बोतल का रखा हुआ पानी जो है वो हमारे डाइजेशन को ठीक करता है, और आप जानते हैं मैं डाइजेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी कब्ज। तो डाइजेशन अगर हमारा सीख रहता है तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। तो उसी समय जो पानी में पीती हूँ उसी समय मैं अपने करेला का फल तो बहुत कम ही लगता है, लेकिन दो पत्ता तोड़ के उसके साथ चबा के पानी पी जाती हूँ सुबह का समय में। आप भी पिया करें, करेला का पत्ता आप भी खाइए, काढ़ा बना कर पीजिए। ये चाय अगर पीते हैं सुबह के समय में तो उसे आप छोड़ दीजिए। हम औरतों को तो समय नहीं मिलता है सुबह के समय में टहलने वहलने का, लेकिन जेंट्स लोगों को हमेशा सुबह में अगर वो कम से कम मिनिमम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अगर नंगे पैर मिट्टी पर टहलते हैं तो बहुत शरीर के लिए अच्छा है। हम लोग तो अपना दुर्भाग्य समझकर नहीं कर पाते हैं क्योंकि सुबह में बहुत काम होता है। चलिए, और एक हम कमर दर्द के लिए हम आपको बताएं कि कमर दर्द का सबसे अच्छा जो उपचार है हम लोगों का कमर दर्द का, मेथी। मेथी को जो है रात भर 1 चम्मच टेबल स्पून से 1 चम्मच मेथी लेकर हम लोग 1 गिलास पानी में डाल दें और जो है उसको रात भर भिगोने दें। इसके बाद सुबह में पहले ही उठकर उसको खा ली हूँ। एक प्रॉब्लम है, सुबह में कुछ खाने का जल्दी मन नहीं करता है, लेकिन खाना पड़ेगा। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि नहीं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम बिना भगवान का पूजा पाठ किए हम अपने मुंह में कुछ नहीं डालेंगे, और उनका पूजा पाठ जो है करते करते 10-11 बज जाता है, तो ये ठीक नहीं है। आप अन्न मत खाइए, लेकिन इन सब चीज़ों को आप खाइए, खाली पानी को ही पीजिए ये सब चीज़ डालकर। तो अगर उस मेथी को हम पानी को पी जाते हैं और चबा चबा कर मेथी खा लेते हैं तो उससे जो है आपके पूजा पाठ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेथी जो है एक फल है, लेकिन आपके शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। सोचिए ना, अगर आप
स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरी है कि हमको इन सब चीज़ों को आज के युग में अपनाना होगा, नहीं तो हम किसी भी तरह से स्वस्थ नहीं रहेंगे। चलिए, ये तो मैंने दो चार खाने के चीज बता दिए, अब मैं आपको कुछ कमर दर्द के एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ जिसको आप आराम से बैठकर कर सकते हैं। मैं कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बताऊँगी जिसके लिए आपको तकलीफ उठाना पड़े या आपको ज़्यादा समय देना पड़े, ऐसा कोई भी चीज़ मैं नहीं बताऊँगी। मैं वही चीज़ बताऊँगी जो हमारे बस में है। ये सब चीज़ें जो मैं बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, अभी जो एक्सरसाइज मैं बताने जा रही हूँ, मैं अपना स्कूल उस्कूल जाते समय बस में या कहीं घूमने जा रहे हैं तो बस में बैठे बैठे भी कर सकती हूँ। तो इन सब एक्सरसाइजों का कोई ये नहीं है कि आप सुबह में इसलिए जो व्यायाम करने के लिए बोला जाता है कि पेट खाली रहता है। योगा जो है हमेशा खाली पेट में करना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए जो है हम तो तुरंत खा के, ये नहीं कि हाँ बोला गया है वीडियो में तो हम तुरंत खा के इसको करना शुरू कर दें, नहीं दोस्तों, कम से कम 2 घंटा तक आप लोग दूसरी चीज़ में अपने एनर्जी को नहीं लगाइएगा, क्योंकि उस समय हम जो भी खाए रहते हैं उस खाने को हजम करने के लिए हमारी बॉडी का एनर्जी वहाँ काम करता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि 1-2 घंटा जो है कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब चलिए कुछ एक्सरसाइज। ये हमारा फिंगर है, एक तो पहले एक सिंपल हम बता दें कि ये जितना भी टॉप है फिंगर के, ये सब मेरे दर्द के है, चाहे वो बात से रिलेटेड दर्द हो, चाहे वो मांसपेशियों से रिलेटेड दर्द हो, किसी भी दर्द को हम हाथ को ऐसे करेंगे आ करके हम इसको ऐसे 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 करेंगे। फिर वही बात मैं बोलने जाऊंगी, ऐसे ऐसे करके 10 बार करिएगा, फिर छोड़ दीजिएगा, फिर 10-10 करके 10 बार करिएगा तो आपका 100 हो जाएगा। तो कम से कम उनको 1 मिनट करना है। अब आप कहेंगे कि 1 मिनट में के लिए तो 60 सेकेंड ही होता है, लेकिन 60 सेकेंड में नहीं हो पाता है। मैंने घड़ी से अजमा लिया है, क्योंकि हमारा ये स्पीड जो है थोड़ा स्लो होता है, इसीलिए हम लोग 100 टाइम्स करेंगे। 100 टाइम्स करने से हमारा 1-2 सेकेंड 1 मिनट से ज़्यादा ही हो जाता है, ऐसे करेंगे। ये आपका एक एक्सरसाइज है जिसमें टॉप जो है आपस में मिले रहेंगे। दूसरा एक्सरसाइज, थंब को थंब से मिलाएंगे, फिंगर को फिंगर से मिलाएंगे, बाकी को जो है हम नीचे कर देंगे ऐसे। थंब को थंब से मिलाए, फिंगर इंडेक्स फिंगर को इंडेक्स फिंगर से मिलाए, इसको कर देंगे ऐसे करके हम मन के अंदर गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जितना भी आप कर सके, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चेष्टा करिएगा कि कम से कम 5 बार मतलब 50 बार तो करें। इसके बाद हम इस फिंगर को नीचे करेंगे, थंब को थंब से सटाएंगे, मिडिल को मिडिल से सटाएंगे, ये नीचे सटा के फिर उसी तरह से हमको सटाए रखना है। इसमें प्रेशर नहीं देना है, मैंने उठाकर नहीं देना है, इसमें जो हम सटाएंगे तो प्रेशर के साथ सटाएंगे और वैसे ही हमको गिनना है। अगर आप 50 तक गिन के रखते हैं इसके बाद छोड़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे आप लोग बढ़ाइएगा समय। फिर हम मिडिल फिंगर को नीचे करेंगे और ये रिंग फिंगर को सटाएंगे, इधर मेरा थंब सटा हुआ है। इसके बाद जो है हम उसी तरह से सटाकर अपना मन के अंदर 50 तक गिनेंगे, फिर इसको हम अंदर ले जाएंगे और लिटिल फिंगर को सटाएंगे, थंब मेरा सटा हुआ है। इस तरह से सटाकर हम लोग गिनेंगे अपने मन में। और ये मेरा एक एक्सरसाइज है जो हमारे दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हम कंटिन्यू कभी भी खाली खाने के बाद मत करिएगा, कभी भी आप कर सकते हैं, टीवी देखते हुए, बस में बैठते हुए, कुछ भी खाली दोस्तों से बात करते हुए, लेकिन इस चीज़ को आप करें। एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो शरीर के कमर ही क्या सभी दर्द का दवा है, उसको हम लोग मास्टर पॉइंट बोलते हैं। हमारे एक्यूप्रेशर में उसको मास्टर पॉइंट बोलते हैं। दोस्तों, उस मास्टर पॉइंट के बारे में भी मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोगों को भी लाभ मिले
और आप लोग हमको याद रखें। चलिए, दोनों हाथ में करना है, एक हाथ में मैं बता रही हूँ। ये मेरा है इंडेक्स फिंगर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जहाँ पर ये हड्डी और ये हड्डी मिले हैं, ये पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर। शायद आप लोगों को दिखाई कैसे पड़ेगा अच्छी तरह से, ए ए देख लीजिए, यहाँ पर ये थंब का हड्डी और इसका हड्डी जो है यहाँ पर मिला हुआ है, ये देखिए, इसी को हमको प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 करके 50 बार इसको थोड़ा सा जोर से प्रेस करिएगा। अब इतना जोर मत करिएगा कि वहाँ से खून निकल आए। और इसके बाद फिर इसी ज्वाइंट पर एकदम आपको इसका हड्डी और इसका हड्डी जहाँ पर मिल गए हैं ठीक उसी के नीचे आपको करना है। पॉइंट को ठीक रखिएगा, अदरवाइज हमको लाभ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम 50 बार इसको दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे। इसको ऑलरेडी 50 बार कर चुके हैं, फिर हम इसको 50 बार ऐसे दबाएंगे और फिर इसको 50 बार दबाएंगे। ये हमारे शरीर का कोई भी दर्द हो, कोई भी दर्द होगा, ये हमारा जो है दर्द का क्या है, मास्टर पॉइंट है। आप इसको दबाइए, देखिए, जब भी बैठिए पोस्चर्स के साथ बैठिए, जब भी कहीं पर रहिए आप ध्यान में रहिए कि हमने एक घंटा से ज़्यादा मैं बैठ चुका हूँ तो हमको अब थोड़ा सा उठकर चहलकदमी करना है। दर्द के लिए आप जो है और भी बहुत सी पॉइंट्स हैं जिसे मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी, पहले आप लोग इतना ही करके देखिए और ज़रूर आपको लाभ मिलेगा, मैं भी करती हूँ। लेकिन आप ये चाहिएगा कि एक दो दिन करके हम लाभ पाएंगे, नहीं, ये नहीं होगा। तेल का मालिश इसमें बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, जो हमारे कम से कम हमारे यूपी बिहार में इस चीज़ को अप्लाई किया जाता है, क्योंकि मैं भी जब कभी जाती हूँ तो वहाँ की जो बहुएँ हैं चाहे जो भी हैं वो लोग देखते हैं तेल उल लेकर चली आती हैं, और हम लोग तो यहाँ पर थोड़ा जिम में भले चले जाते हैं, तेल लगाने का फुर्सत नहीं मिलता। लेकिन जहाँ पर भी दर्द हो वो उसमें तेल जो है बहुत ज़रूरी है, तो आप सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें जो है अरंडी का जो तेल होता है उससे भी आप मालिश कर सकते हैं। 24 घंटे में अगर एक दिन भी आप कर लें या हफ्ता में 3 दिन भी कर लें, तो हमको अपना सोचना है कि शरीर मेरा है, ये गिरेगा तो मेरा शरीर गिरेगा। गिरने के बाद जो तकलीफ होता है दोस्तों, बहुत ही तकलीफ होता है, और हम मजबूर होते हैं दूसरे से कराने के लिए, हमारा आत्मा नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी दूसरों की सेवा के बाद भी हमारा दर्द कम नहीं होता, तकलीफ कम नहीं होता। तो हम चेष्टा करेंगे कि हम ऐसे पोजीशन में पहुँचे ही नहीं, और अपने शरीर का ध्यान जरूर रखें। टाइम आपको निकालना होगा, शरीर आपका है, कहीं ना कहीं तो माइनस करना ही होगा। चलिए, मैं जानती हूँ कि आप लोग सभी लोग माइनस करेंगे, करके शरीर को एक ठो समय देंगे आप जिससे खड़ा रहे और हम लोग आपस में मिलते रहें, अदरवाइज बिस्तर पर गिर जाएंगे तो सबका साथ छूट जाएगा। चलिए, मेरा आशा है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे और अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे। अगर हो सके कोई कमेंट वमेंट देना है तो आप लोग मुझे दे सकते हैं। अब हम अपनी संस्था के बारे में कहेंगे कि हमारी संस्था ने हमें एक ऐसा मौका दिया है जिससे हम कम से कम सामना सामने नहीं तो वीडियो में आकर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो हमारी संस्था का योगदान कम नहीं है और हमें भी अपने संस्था के साथ जुड़े रहना चाहिए और ये चेष्टा करना चाहिए कि हम अपने संस्था के साथ लोगों को जुड़ते रहें। काम करना हमारा फर्ज है, उसका फल हमें मिले या ना मिले तो वो सही है। हमको जो है गीता का जो है भगवान कृष्ण का ही उपदेश को लेकर चलना है, कर्म कर तू चिंता फल मत कर, फल का चिंता मत कर तू इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो हम सभी भी उसी तरह से अपना फल करते जा रहे हैं, सॉरी कर्म करेंगे और फल का चिंता देखा जाए क्या होता है। चलिए, फिर मैं मिलूंगी
एक बार लास्ट में मैं फिर बोल रही हूँ, जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ आप लोग देखिए, चैनल देखिए SPL लाइव लर्निंग का चैनल देखिए, SPL टेक्निकल देखिए, जिसमें सर ने हम लोगों को सब बताया है, और जरूर रजिस्ट्रेशन करके और आइडिया क्लिक करके जरूर एक वीडियो डालिए जिससे हम लोग देखें। मैं तो जब भी खोलती हूँ वीडियो देखने के लिए, सबसे पहले स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर का चैनल खोलती हूँ, और उसमें जो नए कॉमर्स जुड़ते हैं उनकी वीडियो में पहले देखती हूँ, उनको लाइक करती हूँ। मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो जरूर देखेंगे और हमें कमेंट में लिखेंगे। ओके, बाय।